अस्सलाम वालेकुम, मैं शाफ शेख खुश आमदी बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 4 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा शर्जीना घर बता देते हैं, मुस्तफ़ा घर बात करता है। शर्जीना की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है इस बात से और अदील को सब समझाते हैं कि तुम इस तरह मत करो, उसकी माँ से कहते हैं लेकिन वो नहीं समझती। नहीं, उसकी बहन को मायूं बिठाया जाता है, वो अपनी बहन की खुशी में काफ़ी खुश होते हैं लेकिन अंदर से वो बेचारी बिल्कुल बुरी तरह टूट जाती है। वहीं अदील के घर वाले आते हैं, वो घर छोड़ के चला जाता है कि वो शर्जीना से शादी नहीं करेगा। जब उसका बाप कहता है कि तुम घर वालों या उसमें से चुनो, वहीं शर्जीना जाती है मुस्तफ़ा के पास और उसे कहती है क्या तुम उससे शादी करोगे, तो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने वाले एपिसोड में देखेंगे, मुस्तफा कहता है कि मुझे किसी ने कभी किसी इस काबिल समझा ही नहीं है। वहीं पे उसका बाप से कहता है मेरी बेटियाँ मेरे पे बोझ नहीं है और मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं है, तो तुम भी परवाह मत करो। लेकिन वो कहती है कि उससे शादी करेगी। उसकी बहन भी कहती है उस घर ने उसे इतना दुख दिया तो वो क्यों उस घर में दोबारा जाना चाहती है। वहीं पे मुस्तफ़ा की माँ भी कहती है कि वो खुद का बोझ नहीं उठा सकता तो वो किसी का बोझ क्या उठाएगा। और मुस्तफ़ा को काफ़ी बुरे लगते हैं बात, क्योंकि उसके घर वाले उसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब देखना ही है कि आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी के लिए मान जाएंगे घर वाले, क्या वो ये फैसला सही करिए मुस्तफ़ा से शादी का। आप भी अपनी रिकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।